हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। नाउन के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोस में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मैंने नाउन क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन को समझते हैं इसके मतलब के साथ। वर्ड है प्रोनाउन, जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है प्रो एंड द सेकेंड इज़ द नाउन। प्रो मीन फॉर एंड द नाउन मीन नेम, नेम ऑफ एनी थिंग। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए। नेम का मतलब होता है नाम, मतलब के नाम के लिए। नाम के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी भी नाम की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोनाउन ना होते तो हमारी कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन कितनी अजीब होती। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कुछ, मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने दोस्त के बारे में बता रही हूँ आपको, तो मैं कैसे बात करती अगर प्रोनाउन ना होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयशा इज़ माई गुड फ्रेंड, आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा वॉज एट माई हाउस टूडे, आयशा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखें कितना अजीब लग रहा है, बार बार आयशा 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 ही बोल रही हूँ, तो कितना अजीब लगता है अगर प्रोनाउन ना होते। अब आयशा है वर्ड, नाउन है आयशा। इस आयशा की जगह पे जो नाउन मैं यूज़ करूँगी, जो वर्ड मैं यूज़ करूँगी वो क्या होंगे? वो प्रोनाउन होंगे। अब देखते हैं प्रोनाउन के साथ कि अगर मैं प्रोनाउन के साथ ये कन्वर्सेशन करूँ तो वो कैसी होगी। आयशा इज़ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब देखें ये जो शी है ये क्या है? प्रोनाउन है, इसने नाउन की जगह ले ली है। शी, शी वॉज एट माई हाउस टूडे, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। देखें अब कितनी नॉर्मल लग रही है ये वाली कन्वर्सेशन, कितनी नॉर्मल लग रही है। लेकिन ये क्या था? बार बार नाम नाम। अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने चार बार लिखा है, लेकिन अगर प्रोनाउन ना होते मैं जितनी बार आयशा की बात करती उतनी बार मैं आयशा 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 बोलती, या कोई और नाम होता तो मैं वो बार बार दोहराती। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन की ये अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। वर्ड कोई भी हो लेकिन नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा हो वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट पे है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं इस व्हाट की जगह पे अगर नाम ही लिख दूँ, जैसे कि योर नेम इज़ अली। अब देखिए इस सेंटेंस में व्हाट इज़ योर नेम और यहाँ पर है योर नेम इज़ अली। अब इस सेंटेंस में आपको कहीं व्हाट नज़र आ रहा है? नहीं। तो क्या है? यहाँ पर जो वर्ड था वो हमारा प्रोनाउन था। इसी तरह हु इज़ स्टैंडिंग देयर, यहाँ कौन खड़ा है? आलिया इज़ स्टैंडिंग देयर। अब हु की जगह पे मैंने नाम यूज़ कर दिया है, मतलब कि नाउन को यूज़ किया है। लेकिन इस सेंटेंस में नाउन की जगह पे ये हु यूज़ हो रहा था, तो ये हु क्या है? ये प्रोनाउन है। थर्ड पे है समवन इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। समवन, समवन की जगह हम कोई नाम भी लगा सकते थे, कोई भी नाम, जो भी कॉल कर रहा है उसका नाम। मुस्कान, मुस्कान इज कॉलिंग यू। अब देखिए मुस्कान इज कॉलिंग यू, इस सेंटेंस में समवन है कहीं पर? नहीं। तो समवन क्या था? नाम की जगह पे यूज़ हो रहा था। तो ये वर्ड्स भी चाहे बेशक सवालियाँ हों, फिक्रे हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नाम की जगह पे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन ही कहलाते हैं। अब देखें वी ऑल आर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे हैं। अब देखें ये वी ना होता तो हम कैसे कहते? मी, शबाना, अक्सा, अलिशबा, हिना, आलिया, आरजू एंड महक आर रीडिंग। कितना अजीब लगता अगर ये वी ना होता, अगर ये प्रोनाउन ना होता। वी ने क्या किया है? इन सब नामों को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। इन सब नामों की जगह पे क्या ये वर्ड यूज़ हो रहा है? वी, वी ऑल आर रीडिंग। कितना शॉर्ट फॉर्म में हमने समझा दिया है। अगर ये वी ना होता तो आप खुद सोचें किस तरह का होता ये सेंटेंस।
ओके गाइस, अब सेंटेंसेस को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि प्रोनाउन कौन से होते हैं, आखिर वो वर्ड्स कौन से होते हैं जो प्रोनाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर भी हैं, जैसे कि आई है। अब मेरा नाम जो है, मैं अपने नाम की जगह पे अपना नाम लेने के बजाय मैं यूज़ कर रही हूँ आई। इसी तरह वुई है। अब वुई में एक मैं हूँ, एक मेरे साथ एक हैं, दो हैं, जितने भी हैं, वुई ने क्या किया है, उन सबको कवर कर लिया है। तो उनके जितने भी नाम होंगे उन नामों के बजाय मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ वुई। इसी तरह यू है, सामने वाले का जो नाम है या आपका जो नाम है उसकी जगह पे क्या यूज़ हो रहा है, यू यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह ली है इन वर्ड्स ने। इसी तरह दे है, ही शी इट ईच समवन हु व्हाट फ्यू बोथ एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत से और वर्ड्स हैं। तो गाइस, नतीजा क्या निकला कि प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी नाम की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। वो वर्ड्स ये होते हैं या बहुत से और वर्ड्स होते हैं, ये एग्जांपल दी हुई हैं। इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं, और प्रोनाउन अगर ना होते तो हमारी बातें कैसी होती। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और हाँ, अगर कोई आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।